हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस किए जा रहे हैं दोस्तों लूसेंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बिकॉज ये जितने भी जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के जो पुस्तकालय है की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु है वो दिल्ली का जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था दोस्तों? तो गुजरात पर जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था दोस्तों अकबर नामक सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भू राजस्व में दहसाना पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने लागू की थी दोस्तों दहसाना पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औरंगाबाद में ताजमहल की जो प्रतिकृति है किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनाई थी दोस्तों औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी दोस्तों लंदन के अंदर इंडिया हाउस की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों भारत के वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का जो प्रायद्वीप है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट को अन्य किस घाट के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों जो पश्चिम का घाट है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू का जो धुआं है उससे कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू का जो धुआं है उसमें निकोटीन नामक जो जो हानिकारक तत्व है वो पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए लागू रहता है दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।